भाई इसने तो प्रोटीन खाकर बॉडी बनाई है, बिना प्रोटीन बॉडी थोड़ी बनती है। बिना प्रोटीन के बॉडी बन सकती है, ये क्वेश्चन आपके भी मन में जरूर आया होगा। और आज इसी क्वेश्चन के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि बिना प्रोटीन आप बॉडी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आखिर मैंने प्रोटीन यूज किया है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में या बिना प्रोटीन के यूज करे ही मैंने अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन करी है। प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अजीब डांट फिटनेस में, जहां पर हमारा गोल है आपको और आपकी फैमिली को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन पाउडर क्या होता है। प्रोटीन पाउडर हमारा एक सप्लीमेंट होता है, और सप्लीमेंट उसको बोलते हैं जब हमारी किसी चीज में कमी रह जाती है तो हम सप्लीमेंटेशन करते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए उस चीज में कुछ ऐड करते हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं सप्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है, तब आपको पता चल जाएगा। प्रोटीन पाउडर से हमें प्रोटीन मिलता है जो कि एक न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, ये तीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम मसल बिल्ड कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ता है। हमारी डाइट में अगर प्रोटीन की कमी रह रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम प्रोटीन पाउडर ऐड करते हैं हमारी डाइट में। प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, कार्ब्स में भी 4 कैलोरीज, फैट में 9 कैलोरीज होती है। अब आपको पता लग गया कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन हमारा मेनली दूध से बनता है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं मिलाया जाता। कई मेरे भाई सोचते हैं कि इसमें पता नहीं क्या मिलाया जाता है, लेकिन ये दूध से बनता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बॉडी बनाने में और प्रोटीन खाने में, प्रोटीन पाउडर खाने में क्या रिलेशन है। जब हम मसल बिल्ड कर रहे हैं वहां पर हमें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, और हम डाइट से हमारा प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते, इस वजह से हम प्रोटीन ऐड करते हैं, सप्लीमेंटेशन करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है जब हम मसल बिल्ड कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को हमारे वेट के डबल प्रोटीन चाहिए। जैसे अब मेरा वेट 75 kg है तो मुझे एक दिन में 150 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो मैं कहीं से भी पूरा करूं, या मैं अंडे खाऊं, या मैं पनीर खाऊं, या फिर मैं प्रोटीन से पूरा करूं। बॉडी को ये मतलब नहीं है कि आप अंडे से प्रोटीन दे रहे हो, या पनीर से प्रोटीन दे रहे हो, या प्रोटीन पाउडर से आप प्रोटीन दे रहे हो। बॉडी को प्रोटीन न्यूट्रिएंट से मतलब है। हमारे जो एग्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन होता है, हमारी जो पनीर होती है उसमें भी प्रोटीन होता है। तो आपको प्रोटीन देना है मेनली बॉडी को, तो आप कहीं से भी दे सकते हो। ये नहीं है कि आपको वे प्रोटीन से ही प्रोटीन देना अपनी बॉडी को। तब आपको पता लगा कि प्रोटीन का बॉडी बनाने से क्या रिलेशन है। जो नॉर्मल इंसान होते हैं उन्हें इतने ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो मसल बिल्ड नहीं करते। अगर किसी का 70 kg वेट है तो उसको 70 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए पूरे एक दिन में। प्रोटीन हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम नहीं है कहीं बाहर जाके अंडे खाने का, तो हम घर पर एक स्कूप लेकर पानी में डालकर वो ले सकते हैं। जो बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आपके प्रोटीन पाउडर से पूरी हो जाएगी। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनेगी। प्रोटीन जस्ट एड ऑन है। आपको मेन ये समझना है कि बॉडी को इतने ग्राम प्रोटीन देना है, वो आप कहीं से भी दो, डाइट से दो, प्रोटीन पाउडर से दो, तो कहीं से भी दो। जिस भी मेरे भाई का बजट नहीं है वो प्रोटीन पर पैसे स्पेंड ना करे, अपनी डाइट अच्छी ले सकते हो उतनी लेने की कोशिश करो, प्रोटीन पे डिपेंडेंट मत रहो। ये मत सोचो कि प्रोटीन से ही बॉडी बनेगी। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी 9 to 5 जॉब है, जिसका प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग नहीं है, 9 to 5 जॉब करनी है, फिट दिखना है, कपड़ों में अच्छा लगना, बस उनका ये गोल होता है, तो इसके लिए प्रोटीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। जिसका ये प्रोफेशन है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कॉम्पिटिशन खेलते हैं, फिटनेस मॉडल है, जो अपनी बॉडी को श्रेड करना चाहते हैं, उनको प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि उनके जो कार्ब्स है, फैट है, वो हर एक चीज काउंट होती है। अगर वो प्रोटीन दूसरी चीजों से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, तो वहां से उन्हें दूसरा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी मेरा एक भाई है वेजिटेरियन है, उसको
कंपटीशन खेलना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, जब हमारा कंपटीशन का टाइम आता है तो उसको बिल्कुल लीन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके उसको कार्ब्स और फैट बिल्कुल ड्रॉप कर देने हैं, और एक मील में मान लो उसको प्रोटीन ही चाहिए और वो वेजिटेरियन है तो कहां से प्रोटीन पूरा करेगा। अगर वो पनीर से प्रोटीन पूरा करेगा तो वहां से फैट भी आ जाएगा प्रोटीन के साथ, अगर वो सोयाबीन से करने की कोशिश करेगा तो वहां पर कार्ब्स आ जाएंगे। तो जो प्रोफेशनल होते हैं, जो फिटनेस मॉडल होते हैं, जिनको अपनी बॉडी कहीं दिखानी होती है, जो बिल्कुल श्रेड होना चाहते हैं, उनको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है क्योंकि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की वजह से। उसको लीन प्रोटीन लेना है तो वो वहां नहीं ले सकता, इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उनको, उनको लेना भी चाहिए। तो ये होता बेस्ट यूज प्रोटीन का। किसी आपके क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल गया होगा कि किसको यूज करना चाहिए। कई मेरे भाई बोलते हैं कि प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनती। भाइयों क्या पहले प्रोटीन थे? जो दारा सिंह जी है उन्होंने कितनी अच्छी बॉडी बनाई थी, उस टाइम पर प्रोटीन भी नहीं होते थे। बिना प्रोटीन के आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं, मैंने आपको प्रोटीन के बारे में सब बता दिया है। आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो, मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में प्रोटीन का यूज नहीं किया है और आप देख भी सकते हैं मैंने कैसी ट्रांसफॉर्मेशन करी है। तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रोटीन की। अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। कमेंट रोल हमारा यहाँ पर खुराक का होता है, जैसे हमारे बड़े बोलते थे कि खुराक अच्छी होनी चाहिए। खुराक का मतलब हमारी डाइट से है। डाइट हमारी अगर अच्छी होगी तो आपकी मसल बिल्ड जरूर होगी, आपकी अच्छी बॉडी जरूर बनेगी। तो डाइट पर ध्यान दीजिए, ना कि प्रोटीन सप्लीमेंट पर। कई मेरे भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रोटीन नहीं होता तो वो ट्रेनिंग करना ही छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास प्रोटीन ही नहीं है, प्रोटीन के बिना तो बॉडी नहीं बनेगी। तो भाइयों आपकी गलत फहमी है, प्रोटीन के बिना बिल्कुल बॉडी बन सकती है। तो आप स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा। आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ट्रेनिंग डाइट हर एक चीज बताऊंगा। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चन का आंसर किया है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर क्वेश्चन है वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर आकर जरूर पूछिए, वहां पर मेरे को बहुत खुशी होगी आपको बताने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच।